हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी कमाल की सेटिंग बताऊंगा जिनका डेली टू डेली लाइफ में बहुत यूज है, और ये सेटिंग कोई भी यूज नहीं करता है क्योंकि उनको इन एडवांस सेटिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर दोस्तों आप इन सेटिंग के बारे में जान लेते हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और काफी ज्यादा शॉक भी हो जाओगे कि इन सेटिंग के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो वो कौन सी सीक्रेट सेटिंग है और किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग दिखेगी फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो सेटिंग मिल जाएगी, टैप द फिंगरप्रिंट आइकन टू कैप्चर, और नीचे वाली सेटिंग की बात करें तो स्लाइड डाउन द फिंगरप्रिंट आइकन टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन सेंटर, ठीक है। तो आपको ये दो सेटिंग मिलेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन दोनों सेटिंग का ऑन कर दोगे। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका एक हाथ बिजी होता है और आप चाहते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं आगे से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी दोस्तों मेरा जो कंट्रोल सेंटर है या फिर नोटिफिकेशन सेंटर है ओपन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये फर्स्ट वाली सेटिंग अगर आपने करके रखी है तो इसी से ये दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सेल्फी को क्लिक कर रहे होते हैं तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमारी उंगली अच्छे से टच नहीं हो पाती बटन पे, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये सेटिंग का यूज काफी ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कैमरे को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी टच नहीं करूंगा, फिर भी दोस्तों फोटो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंसर पे क्लिक करूंगा, फिंगरप्रिंट सेंसर पे, और इसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपका जो फोटो है क्लिक हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये जो दोनों सेटिंग है कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। तो मैं मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।